कहाँ महंगाई है? महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है महंगाई। 30 रुपए में आटा, 35 रुपए में आटा मिल रहा, लोग खरीद नहीं पा। 100 रुपए किलो आटा हो जाएगा, मोदी को वोट देंगे। 400 रुपए किलो आटा, 500 रुपए लीटर पेट्रोल हो जाएगा, मोदी जी को वोट देंगे। डीजल, डीजल 500 रुपए कह रहे, डीजल पेट्रोल 500 रुपए लीटर हो जाए, आराम से लेंगे। गैस 1000 रुपए में लेंगे। 1000 में तो है अभी, तो 5000 में हो जाए तब भी लेंगे। ले रहे 5000 में कोई दिक्कत हो जाएंगे, देश के लिए मोदी, प्रदेश के लिए योगी। महंगाई से कोई मतलब, कोई मतलब नहीं है, महंगाई हो भी खा रहे हैं। 400 रुपए किलो आटा, कोई दिक्कत ही नहीं होगी? न घटा है न घटेगा, न बढ़ा है न बढ़ेगा, और जैसे कटा है वैसे कटेगा। 400 रुपए किलो आटा ले लेंगे आप? बिल्कुल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी, फिर मोदी जी, गरीब आदमी क्या करेगा भाई? आप अमीर हो जाएंगे, कौन गरीब है? सब अमीर हो जाएंगे, गरीब है मोदी जी सबको अमीर कर देंगे। गरीब है, आप बात कर रहे हैं? अरे देश में 80 करोड़ लोग गरीब है, ना हो तो अभी जुड़ते ले लेंगे, बेचिए तो। 80 करोड़ लोग राशन पे जिंदा है देश पे, उनको सम्मान दिया जा रहा है, राशन पर जिंदा नहीं है। फिर भी मिल तो रहा, 80 करोड़ लोग ले रहे हैं, राहत मिल रही है। करती थी वही 215 रुपए, बड़ी बात आप कहे, 215 रुपए उनको दिया, मनरेगा को दिया जा रहा था, आज मोदी जी ने बढ़ा दिया दाम उसका। वो सब क्या कर रहे थे कि उनके पास पैसा, दवा का पैसा नहीं था, जब वो दिहाड़ी करके आते। बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि 400 रुपए किलो आटा ले लेंगे। बिल्कुल ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 1000 रुपए किलो ले लेंगे, 1000 रुपए किलो ले लेंगे, बिल्कुल ले लेंगे। आटा, आटा खाएंगे, आटा बिल्कुल खाएंगे, 1000 रुपए किलो बिल्कुल खाएंगे। 1000 रुपए किलो आटा, 100 रुपए किलो था तब खा रहे हैं, आज 35 रुपए किलो हो गया तब भी खा रहे हैं। 1000 रुपए किलो आटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। किलो पेट्रोल डीजल में 2 रुपए लीटर बिक रहा था, और आज 95 में भी बिक रहा था, अभी ले लिया जा रहा, क्यों नहीं चल रहा? कितनी गाड़ी 1000 रुपए किलो बता रहे हैं आटा ले लेंगे, इनके पास पैसा होगा या खरीद लेंगे, जिसके पास नहीं होगा वो भूखा मर जाएगा, जिसके पास नहीं होगा वो मर जाएगा भूखा। क्या कर रहे हैं आप? ये भूखे मेरे पास हम, जिसके पास नहीं होगा वो भूखा मर जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? जाके नौकरी करिए, उतार दे जींस, किसी का औकात है जींस उतरवाने की? उतरवाएंगे, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। 1000 रुपए का आटा हो जाए कोई दिक्कत नहीं भाई, इनको दिक्कत नहीं लेकिन हमको दिक्कत है। एक बजट आदमियों का भाग जाएगा, 30 रुपए का खाते हैं, इनको दिक्कत है गुटका। अरे गुटका खाते हो तो ठीक है, लेकिन 1000 रुपए किलो आटा मामूली बात नहीं कर रहे हैं आप। 1000 रुपए किलो आटा मामूली बात नहीं कर रहे हैं भाई साहब। किलो लेकिन मोदी ही चाहिए, 1000 रुपए किलो बिल्कुल लेंगे, हाँ बिल्कुल मोदी ही चाहिए, मोदी ही चाहिए। ऐसे कार्यकर्ता जो पार्टी में होंगे वो पार्टी कभी हार नहीं सकती। ऐसे ऐसे कार्यकर्ता जो 1000 रुपए किलो आटा ले लेंगे तो वो पार्टी कभी हार नहीं सकती। ये 60 साल से ये सब राज कर रहे थे, जो देश को लूट रहे थे, जाते थे रैली में तो ऐसे पकड़े कुर्तम, कहा ये देखो जेब फटा है। ये बताइए बताइए, इनकम कितनी है आपकी? 1000 रुपए किलो आटा आप ले लेंगे, मतलब महीने में कितना कमाते हो? हम ले लेंगे बस 1000 किलो, मोदी भी चाहिए, नहीं ले 1000 रुपए किलो मंजूर नहीं है। और चलो सुनो, और जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ EBM हैगा, उनका निकाल के जूता मारा भी जूता, वही कह रहे हैं जिनकी अम्मा कोई और है, बाप कोई और है। अरे EBM की बात तो अलग हो गई, लेकिन आप एक बड़ी बात कह रहे हैं कि 1000 रुपए किलो आटा ले लेंगे, 500 रुपए में पेट्रोल भरा लेंगे, लेंगे सिलेंडर 1000 रुपए और भी महंगा हो जाए कोई दिक्कत? 5000 में हो जाएगा लेंगे सिलेंडर, अभी आपको क्या कहा? 5000 में हो जाएगा क्या? हाँ हो जाएगा तभी लेंगे सिलेंडर, बिल्कुल 5000 में, बिल्कुल 10000 में हो गया, बिल्कुल 10000 में हो गया सिलेंडर, 10000 में हो गया बिल्कुल लेंगे, 10000 में हो जाए भी मोदी, 15000 में हो गया मोदी, 20000 में हो गया मोदी, मतलब 20000 रुपए सिलेंडर हो जाए फिर भी मोदी ही नहीं, लेकिन तब भी मोदी अगर हो गया तब भी मोदी, बिल्कुल मोदी, 20000 रुपए सिलेंडर, बिल्कुल भाई 20000 रुपए का सिलेंडर भरा पाओगे? भैया 20000 का जब सिलेंडर होगा तब तनख्वाह भी 2.5 लाख रहेगा, ये बात हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं कि अभी अगर हो जाए, अभी 1000 रुपए का आटा हो जाए, अभी 20000 का सिलेंडर हो जाए तब भी मोदी, कहना आसान नहीं है, लेकिन अगर हो जाएगा तो इनकम तुरंत बढ़ जाएगा, तुरंत बढ़ जाएगा, आमदनी बढ़ेगी, किसान खुशहाल हो जाएंगे भाई, किसानों का महंगाई मतलब है नहीं, किसानों का गल्ला 90 रुपया बिकेगा तो 100 रुपए में आटा जरूर खरीदा जाएगा, मतलब महंगाई इस हिसाब से अभी है नहीं, मौजूदा समय में अगर देखा जाए तो आपको लगता महंगाई नहीं? नहीं, जनता के दिल में खाली एक ही चीज दिख रहा है, मोदी 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 मोदी, जनता के दिल में। अभी भाई साहब बात कर रहे हैं कि 1000 रुपए का आटा ले लेंगे, इनके दिल में बसे हैं मोदी, कुछ दिख ही नहीं रहा है तो लोग क्या, मोदी के अलावा कुछ नहीं दिख रहा नहीं है, खाली हो गए, जनता अंधी हो गई, बिल्कुल सारे जनता अंधी हो गई, सब मोदी देख रहे हैं, कह रहे हैं जनता अंधी कहाँ है, जनता के दिल में मोदी, घर घर मोदी, कह रहे कुछ दिख नहीं रहा, ये अब नया नारा है, हर हर योगी घर घर मोदी, कह रहे कुछ दिख नहीं रहा, इसीलिए क्या कह रहे आपको भी कुछ दिख नहीं रहा है मोदी जी के अलावा, काहे दिखेगा भैया, जब मोदी जी सब कर रहे हैं, यहाँ से लेकर सड़क से लेकर, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हो कि 1000 रुपए का आटा ले लोगे, 20000 का गैस सिलेंडर भरा लोगे,
500 का पेट्रोल भरा लोगे? बिल्कुल भरा लेंगे, बिल्कुल भरा लेंगे, बिल्कुल भरा लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल भरा। सुनिए, जब हम 1000 रुपये किलो आटा लेंगे, ठीक है, तो हमारे किसानों का आय बढ़ेगा। जो बोएगा, एक बीघे बोएगा तो उसका उसका पैसा आप कहिए, गवर्नमेंट से कहिए कि तुरंत जो है 500 में आटा किया जाए। किसानों की आय डबल करिए ना भाई, बिल्कुल डबल हो रहा है। मोदी जी ने कहा था कांग्रेस के, महंगा करिए गेहूँ, महंगा करिए चावल, महंगा करिए गन्ना, महंगा करिए। कांग्रेस सरकार में 500 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, 500 रुपये किलो गेहूँ बिकता था, सॉरी क्विंटल, सॉरी क्विंटल, क्विंटल बिकता था गेहूँ, और आज 2800 किसानों का भला चाहते हो? बिल्कुल चाहते हैं। गन्ना कितना महंगा किया आपने? गन्ना कांग्रेस ने महंगा किया है, 25-30 रुपए बढ़े मेरे ख्याल से। तभी 300-350 रुपए मिल रहा है, 385 रुपए मिल रहा है ना, उनको मिलता भी नहीं है, लेट मिलता है, कितना कितना लेट मिलता है होगा। चीनी में अभी चीनी महंगी होगी, कितना चाहते हो चीनी, कितना चाहते होनी चाहिए? अब हम कह रहे हैं गन्ना महंगा होगा तो चीनी महंगी होगी, अभी 40 रुपए के आसपास चीनी, तो क्या चाहते हो चीनी कितने होगी? अरे अगर 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 गन्ना 1000 रुपए क्विंटल होगा तो चीनी की दाम बढ़ेगी, और चीनी बढ़ेगा तो किसान का दाम बढ़ेगा। चीनी भी 40 रुपए वो भी महंगी नहीं लगती होगी, कहाँ महंगी है? 100-150 में हो जाए कोई दिक्कत नहीं। आप 15 रुपए किलो, 15 रुपए कुल्हड़ चाय पी रहे हैं, कहाँ महंगा है? 100-150 में चीनी भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं, किसानों का भला होगा, किसानों का गन्ना महंगा, चीनी किया जाए गन्ना महंगा होगा, अब गन्ना महंगा तो किसान का आय बढ़ेगा। आप कहिए कि ना आटा 500 में होना चाहिए, हम कहाँ कहने हैं? किसानों का भला नहीं चाहते? बिल्कुल चाहते हैं। कहिए फिर 500 में आटा होना चाहिए, अगर आटा 500 में नहीं होना चाहिए, 500 रुपए किलो गेहूं होना चाहिए किसान से खरीदे सरकार, 500 रुपए किलो तब तो ठीक है। अगर आटा 500 रुपए किलो बिके तो ठीक नहीं है, क्योंकि वो पूंजीपतियों का, पूंजीपति भाजपा के लोग भी पूंजीपति हैं। अगर 12 रुपए किलो गेहूं खरीद करके सरकार 12 रुपए 1850 तय किए है रेट, और 1200 में गेहूं बिकता है किसान का, और उसका अगर 35 रुपए किलो आटा बिक रहा है, कुछ पता है? बहुत बड़ी बात भाई साहब, 80 रुपए में, ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, 1000 रुपए में आटा खरीद लेंगे, मोदी जी को फिर भी वोट करें, ठीक कह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि ये कार्ड बना देना चाहिए कि जो भाजपा समर्थक आम है उनका कार्ड देख लिया जाए, उनको 500 रुपए में दिया जाए, बाकी के लोगों को 5 रुपए में दिया जाए।